एक और बड़ी खबर जालौन से मिल रही है। तो जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फसल नुकसान के आकलन का जब गजब मामला। बड़ी खबर जालौन से, जहां पर फसल नुकसान के आकलन का अजब गजब मामला। लेखापाल की जगह लेखापाल का पुत्र सर्वे कर रहा है, तो लेखापाल की जगह लेखापाल का पुत्र सर्वे कर रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जालौन से। सुविधा शुल्क लेकर फसल नुकसान का सर्वे करने का आरोप है, तो लेखापाल की जगह लेखापाल का पुत्र सर्वे कर रहा है और लेखापाल के पुत्र का खेत सर्वे करते या वीडियो खेत का सर्वे करते हुए यह वीडियो वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो इरफान बताएं कि लेखापाल की जगह उनका पुत्र सर्वे करता हुआ नजर आया है, वीडियो भी वायरल हुआ है, इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, यह अजब गजब मामला है कि जहां एक तरफ बुंदेलखंड का क्षेत्र आपदा ग्रस्त हो चुका है, खासतौर पर जालौन जहां पर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, इन फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मजाक भद्दा मजाक किसानों के साथ कर रहे हैं। लेखपाल की ड्यूटी के स्थान पर उसका पुत्र सर्वे की ड्यूटी कर रहा है, जो लोगों के लिए चौंकाने का विषय है। किसानों के जज्बात के साथ किस तरीके से लेखपाल संतराम पाल ने खेल किया है वो आप देख पा रहे होंगे कि आखिरकार जिस लेखपाल को खेत पर पहुंचकर किसानों की फसलों के आकलन के सर्वे रिपोर्ट बनानी थी, उसके स्थान पर उसका पुत्र वहां सर्वे का काम कर रहा है। और यही नहीं, किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि लेखपाल का पुत्र उनसे पैसों की मांग करके सर्वे रिपोर्ट आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जो मंशा है उसके विपरीत लेखपाल और लेखपाल के पुत्र द्वारा किए जा रहे काम को लेकर किसानों में आक्रोश है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद इरफान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां पर कोंच तहसील के एवरा ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है।